नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन इन दिनों सुर्खियों में है। ना सिर्फ टीवी बल्कि सोशल मीडिया पर भी वो सुर्खियों में बने हुए हैं। उनके घरों से अब तक 284 करोड़ रुपए कैश और 23 किलो सोना बरामद होने के बाद हर कोई हैरान है। आयकर विभाग की छापेमारी में इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया गया और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में कानपुर जिला जेल भेज दिया गया है, जहां कारोबारी पीयूष जैन की पहली रात कैसी कटी, आइए जानते हैं। पीयूष जैन को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कानपुर जिला जेल के बैरक नंबर 15 में रखा गया है। हिंदुस्तान में छपी खबर के मुताबिक 23 दिसंबर दिन सोमवार को पीयूष जैन की पहली रात जेल में कटी। बैरक नंबर 15 में पीयूष जैन कभी करवटे लेता तो कभी उठकर टहलने लगता। वो देर रात तक सो नहीं पाया, बस अपनी बैरक में ही इधर उधर टहलता रहा। जेल के सूत्रों ने बताया है कि उसने रात को भोजन भी ठीक से नहीं किया। बताया जा रहा है कि वो करीब 2:30-3 बजे के बीच सोया। पीयूष की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों ने उससे जगे रहने की वजह भी पूछी, मगर पीयूष ने जवाब दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, बस उसे नींद नहीं आ रही। जेल सूत्रों की माने तो पीयूष जैन को आम कैदियों की तरह ही रखा गया है। उसे जेल नियमों के मुताबिक कंबल और तकिया मिले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीयूष जैन जेल में किसी से बात नहीं कर रहा, हालांकि जेल के अन्य कैदी उससे बातचीत करने को आतुर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सभी जानना चाहते हैं कि आखिर इतना बड़ा खजाना हाथ कैसे लगा। बता दें कि पीयूष जैन को रविवार 26 दिसंबर की देर रात DGGI की टीम ने गिरफ्तार किया था। 27 दिसंबर को पीयूष जैन का मेडिकल कराया गया और कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में पीयूष जैन को GST की धारा 132 के तहत जेल भेज दिया गया था। इस दौरान GST इंटेलिजेंस महानिदेशालय ने बताया कि पीयूष जैन ने स्वीकार किया है कि रिहायशी परिसर से बरामद नकदी बिना GST के माल की बिक्री से जुड़ी है। पीयूष जैन मूल रूप से कन्नौज के छिपत्ती के रहने वाले हैं और वर्तमान में जूही थाना क्षेत्र के आनंदपुरी में रहते हैं। पीयूष इत्र कारोबारी हैं और इनकी फैक्ट्री कन्नौज की इत्र वाली गली में स्थित है। वहीं से पीयूष जैन अपना कारोबार चलाते हैं। इनके कन्नौज कानपुर के साथ मुंबई में भी ऑफिस है। कन्नौज स्थित फैक्ट्री से इत्र मुंबई जाता है, यहां से पूरे देश और विदेश में बेचा जाता है। इनकम टैक्स विभाग को पीयूष जैन की करीब 40 कंपनियों की जानकारी मिली है, जिनके माध्यम से पीयूष अपना इत्र का कारोबार चला रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।